नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको अमरीकी विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में बताया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको अमरीकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएँ या उसके आधारभूत तत्वों के बारे में बताऊँगी। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका ने पृथकतावादी नीति का परित्याग कर अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं में रुचि लेनी आरंभ कर दी थी। अमेरिका की विदेश नीति में द्वितीय विश्व युद्ध में यदि जापान के कारण क्रांतिकारी परिवर्तन आया, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी रूस ने उसकी नीति को प्रभावित किया। इस काल से अमेरिका साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए सब देशों से सैनिक समझौते करने की नीति अपनाने लगा। साथ ही साथ वो अन्य देशों को सैनिक व आर्थिक सहायता भी देने लगा। अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं या उसके आधारभूत तत्वों को हम कुछ बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। सबसे पहला, सहयोग और अनुकूलता की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने मित्र राष्ट्रों की अपूर्व सहायता की थी। उसे आशा थी कि युद्ध के पश्चात मित्र राष्ट्रों के संबंध उससे शांति काल में भी चलते रहेंगे। अतः उसने मित्र राष्ट्रों तथा राष्ट्रों के सहयोग से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की तथा शांति और विकास के कार्यों में यथासंभव सहयोग दिया। 28 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रपति ट्रूमैन ने इसी आधार पर विदेश नीति संबंधी 12 सूत्री उद्देश्यों की घोषणा की, जिनमें से मुख्य इस प्रकार देखे जा सकते हैं। पहला, अमेरिका प्रदेश विस्तार का विरोधी है, अतः किसी भी छोटे या बड़े देश पर आक्रमण नहीं करेगा। दूसरा, जिन देशों के प्रभुसत्ता संबंधी अधिकार छीने गए हैं उन्हें वापस किया जाएगा। तीसरा, प्रदेश परिवर्तन जनता की सहमति पर ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्येक देश को बिना विदेशी हस्तक्षेप के अपने शासन का स्वरूप निर्धारित करने का अधिकार होगा। अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों को सहयोग करते हुए स्वतंत्र देशों में शांतिपूर्ण लोकतंत्रीय शासन की स्थापना करेगा। अमेरिका किसी देश में विदेशी शक्ति द्वारा बलपूर्वक थोपी गई सरकार को मान्यता नहीं देगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग द्वारा विश्व में शांति की स्थापना का प्रयास करेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर सैनिक कार्यवाही करने के लिए भी तैयार होगा। इस नीति के अतिरिक्त अमेरिका ने दृढ़ता और धैर्य की नीति भी अपनाई, जो कि उसकी विदेश नीति की मुख्य विशेषता मानी जा सकती है। अमेरिका की दृढ़ता और धैर्य की नीति लगभग एक वर्ष तक चली। अमेरिका अभी तक सहयोग की नीति पर चल रहा था, परंतु रूस के साथ संधि के प्रश्न पर दोनों देशों में जो मतभेद उत्पन्न हुए उससे उसे इस नीति का परित्याग करना पड़ा। रूस अपना प्रभाव पूर्वी यूरोप में दिन प्रतिदिन बढ़ाता चला जा रहा था, इससे अमेरिका की चिंता बढ़ती जा रही थी। इसके अतिरिक्त 1946-47 में दोनों देशों के मध्य जर्मनी के अधिकार, कोरिया के एकीकरण, यूनान के गृहयुद्ध आदि के संबंध में भी प्रबल मतभेद उत्पन्न हो गए थे। अणु शक्ति नियंत्रण की संधि वार्ता भी विवादग्रस्त हो गई थी, अतः अमेरिका को अपनी विदेश नीति में दृढ़ता का समावेश करना पड़ा। इसके अलावा अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता के रूप में हम साम्यवाद को नियंत्रित करने की नीति को भी ले सकते हैं, जो कि सोवियत संघ के विघटन तक लगातार अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता रही। मार्च 1947 से यूनान, टर्की और ईरान में साम्यवादी गतिविधियां तीव्र होने लगी थीं। अतः इन देशों में साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका ने पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की। 7 मार्च 1947 को ट्रूमैन ने अपने मंत्रिमंडल की बैठक में कहा कि उसने कांग्रेस से यह सिफारिश की है कि यूनान को $25 करोड़ तथा टर्की को $15 करोड़ की सहायता दी जाए। कांग्रेस ने उनकी इस सिफारिश को स्वीकार कर दिया। इसके अतिरिक्त
विदेशी आर्थिक सहायता की नीति भी अमेरिका की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है। विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना अमेरिकी विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है। विदेशी आर्थिक सहायता कार्यक्रम के कुछ उद्देश्य हैं, जैसे साम्यवाद के प्रसार को रोकना, राष्ट्रों को आत्मनिर्भर बनाना तथा आर्थिक सहायता प्रदान कर अन्य राष्ट्रों में सैनिक अड्डों की स्थापना तथा बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधाएं प्राप्त करना। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रूमैन ने सर्वप्रथम आर्थिक सहायता की नीति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। इस नीति को ट्रूमैन सिद्धांत कहा जाता है। साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कदम मार्शल योजना थी। इस योजना का प्रमुख आधार था कि द्वितीय विश्व युद्ध से ध्वस्त यूरोप का यदि उचित ढंग से विकास नहीं किया गया तो वहाँ साम्यवाद शासन स्थापित हो जाएगा। मार्शल योजना के अंतर्गत 1947 में पेरिस में 16 यूरोपियन देशों को सैनिक सहायता दी गई। इसके अलावा अन्य देशों के आर्थिक पुनरुद्धार का भी प्रयत्न किया गया। इसके अलावा सैनिक गठबंधन व संधियों की नीति भी अमरीकी विदेश नीति की एक प्रमुख विशेषता है। अमेरिका ने आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अन्य देशों के साथ सैनिक संधियां और समझौते भी आरंभ किए। 1949 में यूरोपियन देशों की सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए तथा उन्हें नवीनतम रण सामग्री से सुसज्जित करने के लिए पारस्परिक प्रतिरक्षा सहायता कार्यक्रम पास किया गया। अभी तक अमेरिका अपने अणुशक्ति के क्षेत्र में सर्वोच्च माना जाता था, परंतु 1949 में रूस ने आणविक विस्फोट कर सबको चकित कर दिया। रूस का आतंक अब अमेरिका के लिए असहनीय हो गया। जून 1950 में उसकी प्रेरणा से संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सैनिक कार्यवाही की। अक्टूबर 1951 में पारस्परिक सहायता सुरक्षा कानून पास हुआ, जिसके अनुसार अमेरिका से सैनिक संधि करने वाले देशों के लिए 7 अरब 33 करोड़ डॉलर की सहायता की व्यवस्था की गई। इसके अलावा अमेरिका ने 8 सितंबर 1951 को जापान के साथ अनिश्चित काल के लिए एक प्रतिरक्षा समझौता किया। इसी वर्ष प्रशांत महासागर में शांति बनाए रखने के उद्देश्य से अमेरिका ने ऑस्ट्रिया तथा न्यूजीलैंड के साथ भी संधि की। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का भी की भी स्थापना की गई। तो इस प्रकार मुख्य रूप से जो बिंदु हमने अभी देखे वो अमेरिका की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं मानी जा सकती हैं। बच्चों, इस व्याख्यान में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगले व्याख्यान में मैं आपको अमरीकी विदेश नीति के किसी अन्य पक्ष से अवगत कराऊंगी। धन्यवाद।